फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि मकान में, दुकान में या फैक्ट्रियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने के कारण बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला कारण, वायर क्वालिटी बहुत ही खराब, अगर आपने वायर क्वालिटी यूज किया है तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बहुत अधिक होती है। दूसरा मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रीशियन की कम जानकारी। अगर इलेक्ट्रीशियन को पर्याप्त जानकारी नहीं है कि कहां पर कितने एम्पियर लोड देना है और वहां पर कितने एमएम स्क्वायर का वायर यूज करना है, इसके वजह से भी काफी बार देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है और ओवरलोड होने पर आग लग जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कितने एमएम के वायर पर मैक्सिमम कितना लोड दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैंने कई सारे इलेक्ट्रीशियन से बात करने के बाद, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कितने एमएम के वायर पर कितना लोड दे सकते हैं। 0.75 एमएम के वायर पर आप मैक्सिमम 5 से 6 एम्पियर तक का लोड दिया जा सकता है, यानी 5 से 6 एम्पियर तक के जो उपकरण है उन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं। 1 एमएम के वायर पर हम 8 एम्पियर से लेके 11 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं जो 1.5 एमएम का वायर होता है, उस पर हम 12 से 15 एम्पियर लोड दे सकते हैं। इसके बाद जो 2.5 एमएम का वायर होता है, उस पर हम 17 से 20 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके अकॉर्डिंग आप लोड देंगे तो वायर के ओवरहीटिंग होने की संभावना कम रहेगी और वायर की लाइफ भी लंबी चलेगी। फ्रेंड्स, अगर वायर की लंबाई कम है तो हम कम एमएम के वायर पर ही अधिक लोड दे सकते हैं। जैसे जैसे वायर की लंबाई बढ़ती है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी घट जाती है। अब बात करते हैं जो 4 एमएम का वायर होता है, 4 एमएम के वायर पर हम 23 एम्पियर से लेकर 27 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। 6 एमएम के वायर पर हम 30 से लेकर 33 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। इसी तरह 10 एमएम के वायर पर हम 38 एम्पियर से लेकर 43 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने बताया है कि आपको हाउस वायरिंग में किस जगह कितने एमएम वायर का यूज करना चाहिए, यानी आपको मेन बोर्ड मीटर बॉक्स से लेके मेन बोर्ड तक, या फिर मेन बोर्ड से अलग अलग कमरों में जो बोर्ड गए हैं वहां पर, या पंखे के लिए, कूलर के लिए, फ्रिज के लिए, एसी के लिए आपको कितने एमएम वायर का यूज करना चाहिए, इसकी पिछली वीडियो में हमने सही रूप से आपको बताया है। फ्रेंड्स, केबल या वायर के साइज कैलकुलेशन के लिए भी एक फार्मूला बना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने वाट लोड के लिए हम कितने एम्पियर वायर का यूज करेंगे और फार्मूले के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके उसके लिए सजेशन जरूर दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप लोग कमेंट में बताया करिए ताकि हम आपको इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देते रहें। फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।